वेलकम दोस्तों, आज की टेक्निक्स वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो रेनो 10 सीरीज, वन प्लस 12, इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो, वीवो वी 29e, वन प्लस एस 2 प्रो चिकन ब्लड एडिशन, सैमसंग गैलेक्सी जी फ्लिप 5, जी फोल्ड 5, वीवो एस 17 सीरीज और बहुत सारी न्यूज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओप्पो की तरफ से। ओप्पो रेनो 10 सीरीज के जो स्मार्टफोन्स है ये ऑफिशियल कन्फर्म 24th मई को चाइना में लॉन्च होने वाले हैं और आप स्क्रीन पर ओप्पो रेनो 10, ओप्पो रेनो 10 प्रो और ओप्पो रेनो 10 प्रो प्लस तीनों ही स्मार्टफोन के ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं। तो तीनों ही स्मार्टफोन के बारे में आपको कोई ओपिनियन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो जो स्मार्टफोन है ये काफी जल्दी लॉन्च होने वाला है और आज इस स्मार्टफोन के ऑफिशियल फर्स्ट लुक इमेजेस, लाइव इमेजेस, हैंड्स ऑन इमेजेस सामने आए हैं जो कि आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आराम से एक एक करके देख लो और इसका फर्स्ट लुक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स जरूर बताएगा। और स्मार्टफोन के ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस भी सामने आए हैं तो आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। 6.67 इंच की 120 हर्ट्ज डिस्प्ले देखने मिलेगी, मीडियाटेक हीलियो G99, 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलने वाला है, 5000 एमएच की एक पावरफुल बैटरी और साथ ही 68 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आने वाला है। तो इस स्मार्टफोन के बारे में आपको कोई ओपिनियन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वन प्लस 12 जो स्मार्टफोन है इसके कुछ लीक सामने आए हैं कि इस स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 चिपसेट देखने को मिलने वाला है। तो अगर ये इस चिपसेट के साथ आता है तो वन प्लस 12 एक फ्लैगशिप किलर रहने वाला है। वीवो वी 29e जो स्मार्टफोन है इसके कुछ की स्पेसिफिकेशन सामने आए हैं जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस स्मार्टफोन में आपको डायमेंसिटी 7000 सीरीज का चिपसेट देखने मिलेगा, 4600 एमएच की पावरफुल बैटरी, 80 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट रहने वाला है, 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने मिलेगा और 12GB रैम 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट भी देखने मिलने वाले हैं। OnePlus S2 Pro जो स्मार्टफोन है इसका एक नया एडिशन OnePlus S2 Pro चिकन ब्लड एडिशन नाम से एक नया स्मार्टफोन हमें काफी जल्दी देखने को मिलने वाला है और इस स्मार्टफोन में आपको 1.5K सेंटर पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगी, स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 चिपसेट देखने को मिलने वाला है। तो इस नए चिकन ब्लड एडिशन के बारे में आपको कोई ओपिनियन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। Samsung Galaxy Z Flip 5 और Z Fold 5 दोनों ही स्मार्टफोन 26 मई को चाइना में लॉन्च हो सकते हैं। ये 100% कंफर्म तो नहीं है लेकिन 99% कंफर्म है कि ये 26 मई को चाइना में लॉन्च हो सकते हैं। Vivo S17 और Vivo S17 Pro दोनों ही स्मार्टफोन 30 तारीख को चाइना में लॉन्च होने वाले हैं और ये दोनों ही स्मार्टफोन शायद हमें इंडिया में Vivo V29 और Vivo V29 Pro के नाम से देखने को मिल सकते हैं। Samsung Galaxy S23 लाइम कलर एडिशन वाला जो स्मार्टफोन है ये ऑफिशियली कंफर्म 16 मई को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। टॉप 5 TWS ब्रांड मार्केट शेयर रिपोर्ट सामने आ चुकी है जो कि आप यहां स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, जिसमें नंबर 1 पर है बोट 30.6%, सेकंड पर है बोल्ट ऑडियो 15.5%, थर्ड पर है पेट्रोन 7.3%, ओप्पो एंड वन प्लस 6.4% और लास्ट में नॉइस है 6.4%। इन्फिनिक्स नोट 35G जो स्मार्टफोन है इसके फर्स्ट लुक इमेजेस और साथ ही कुछ की स्पेसिफिकेशंस लीक हो गए हैं जो कि आप यहां स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। तो ये स्मार्टफोन पहले ग्लोबली लॉन्च होगा फिर हमें इंडिया में भी काफी जल्दी देखने को मिलने वाला है। Vivo Y36 जो स्मार्टफोन है ये आज इंडियन BIS सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हो गया है जिसकी डिटेल आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो Vivo Y36 स्मार्टफोन हमें काफी जल्दी इंडिया में भी देखने को मिलने वाला है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। तो बस मिलते हैं कल शाम को 4 बजे।